जंतर मंतर पर इस वक्त हमें एक अंकल हमारे साथ हैं, हाथ में तराजू लिया हुआ है और अब यही देखना है कि आखिर ये तराजू क्यों लिया हुआ। इतना समय यहाँ पर पहलवानों को धरने पर बैठे हुए हो गया है लेकिन इंसाफ कहीं भी मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। सीधे अंकल से बात करते हैं। अंकल क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरुण मलिक है, मैं सेक्रेटरी हूँ दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी का और नेशनल अवार्ड विनर हूँ। हाथ में तराजू लिया हुआ है, क्या दर्शाना चाह रहे हैं? मैं ये दर्शाना चाहता हूँ देश का सर्वोच्च न्यायालय उसने कहा कि FIR करो, FIR होगी दर्ज लेकिन ये ब्रिजभूषण गिरफ्तार क्यों नहीं हो रहा, ये ब्रिजभूषण गिरफ्तार क्यों नहीं हो रहा, ये न्याय का तराजू है न्याय का। यही सवाल तो पहलवान भी पूछ रहे हैं लेकिन जवाब नहीं मिला। जवाब को सरकार क्यों देगी? सरकार गूंगी बहरी सरकार है, उसके प्रधानमंत्री गूंगे हुए पड़े हैं बहरे हैं, गृह मंत्री गूंगे बहरे हैं, वो सुन नहीं रहे। ये देश के लिए सोना लाई बेटियाँ, आज 20 दिन हो गए। कहते हैं ना अगर एक बेटी घर पे 4 घंटे ना आए ना तो माँ बाप परेशान हो जाते हैं, बहुत परेशानी होती है बेटी कहाँ चली गई। लेकिन आज 20-21 दिन हो गए यहाँ बैठे, ये अपने घर नहीं जा सकती क्या? जा सकती हैं लेकिन न्याय के लिए, देश की आवाज़ बुलंद, दूसरी लड़कियों को बचाने के लिए, उनको अत्याचार से बचाने के लिए इन्होंने आवाज़ को बुलंद किया। ये चाहते हैं कि जैसे हम लोगों के साथ हुआ और किसी के साथ ना हो। लेकिन FIR होगी, वो आदमी गिरफ्तार नहीं हुआ जिस पर 40 मुकदमे हैं, 40 मुकदमे वाला गिरफ्तार नहीं हो रहा। ना तो ये सरकार संविधान को मानती है, ना ये सरकार किसी कानून को मानती है, ना ये लोकतंत्र को मानती है। क्या 130 करोड़ कितने मजदूर संगठन, कितनी यूनिवर्सिटी, कितने स्टूडेंट, कितने महिलाएं, कितने बुजुर्ग, कितनी पार्टी के लोग, प्रियंका गांधी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के किसानों के नेता राकेश टिकैत और कितने कितने लोग नेता आए, कितनी कितनी महिला नेता यहाँ पर। तो इसको राजनीतिक मंच बता दिया है। राजनीतिक क्या, राजनीति ये करें तो राजनीति, बाकी तो दूसरा करे तो राजनीति होती है क्या? ये क्या बोलते हैं, ये इन धर्म का संकट इन्होंने लिया, धर्म का ठेका इन्होंने लिया। 130 करोड़ लोग हैं, सभी धर्म के लोग रहते हैं, ये नहीं कोई, ये नहीं जो भी कह कहे हैं मनमानी ये करते तो ध्यान हो नहीं रहा ना। अभी तो फिलहाल मूवी को प्रमोट किया जा रहा है। हर राजनीतिक दल इनकी मदद के लिए तैयार है, कोई भी हो। बेटियां हैं, बेटियां साझा होती हैं सबकी, बेटियां बैठी हैं। अगर कोई राजनीतिक दल नहीं भी आता तो बड़े शर्म की बात है। राजनीतिक दल को आना चाहिए, कोई भी राजनीतिक दल हो, कोई संगठन हो, कोई मजदूर संगठन हो, महिला संगठन हो, वह जरूर आए, इसमें आना चाहिए। क्योंकि दो पाले हैं आपके, तो क्या कह सकते हैं, एक न्याय और एक अन्याय, तो न्याय का पलड़ा अन्याय का पलड़ा, ये न्याय का पलड़ा बराबर है, न्याय का पलड़ा बराबर है। वो तो जहाँ सबूत पहुँचेंगे न्याय उसको पक्ष में मिलेगा। FIR भी तो कोर्ट के दखल देने के बाद वो ही ना, तो मैं यही तो ध्यान कशी करना चाहता हूँ कि न्यायालय ने कहा FIR हुई तो कहाँ चली गई हो FIR? आप कह रहे हो जी SIT करेगी, भाई ये लिंगर ऑन क्यों कर रहे हो, किस लिए लिंगर ऑन कर रहे हो? जो पुलिस ने गिरफ्तार करना है तो गिरफ्तार करो, पॉक्सो एक्ट है। ये क्या करी वो एजेंसी करेंगी, बड़ी बड़ी एजेंसी से कराते ना। चुनाव पे प्रभाव पड़ गया अगर गिरफ्तारी हो। देखिए चुनाव एक अलग चीज है, कोई चुनाव इसको चीज को नहीं देख के बोला, तो यही जा रहा है कि अभी कर्नाटक में चुनाव थे इसीलिए वो सिर्फ बीजेपी के लोग या सरकार के लोग ऐसे बोलेंगे। अपने लोगों का तो अपने बंदे समर्थन करेंगे। नहीं बिल्कुल, हम तो समर्थन करेंगे इनको जब तक यहाँ बैठे, हम लोग यहाँ बैठे हैं। अच्छा। मैंने तो कहा है नए कंसेप्ट लाऊंगा, इनकी आवाज़ को बुलंद करूंगा, जेल भी जाना पड़े तो जाऊंगा, पीछे नहीं हटूंगा, लेकिन इनके न्याय के साथ इनके साथ बैठा हूँ। इनका क्या लग रहा है कि आज इसका असर कहीं ना कहीं पड़ेगा, होगा? देश के लोग 130 करोड़ कह रहे हैं असर होगा। आप देखिए सोशल मीडिया को मैं नमस्कार करता हूँ, बार बार नमस्कार करूँगा। आज अगर सोशल मीडिया ना होता तो इनकी आवाज़ को नहीं उठाते, गोदी मीडिया तो उठा ही नहीं रहा। अच्छा। वो तो उठाएंगे, उनके लोग बड़े बड़े एंकर आते हैं, सेल्फी लेते हैं, फोटो खिंचाते हैं, चले जाते हैं। अच्छा। वो इनको दिखाएंगे क्या, यहाँ से लेके वहाँ माइक जा सकता है एंकर का, किसी का उसके घर तक, बड़े बड़े एंकर का घर माइक तक जा सकता है? यहाँ से लेके मैं अगर बोले ना कि ब्रिजभूषण को गिरफ्तार करो, बेटियां यहाँ बैठी हैं, कोई लाइन सुनी आपने आज तक? नहीं। दिल्ली पुलिस पे प्रेशर है। अच्छा। दिल्ली पुलिस पे प्रेशर हटा दो, वो अभी गिरफ्तार कर लेगी। कौन कर रहा है प्रेशर? ये प्रधानमंत्री कर रहे हैं, गृह मंत्री कर रहे हैं, सीधा फिर बात है, इसमें छुपाने की क्या बात है? मतलब वो नहीं चाह रहे कि गिरफ्तार, सांसद है ना उनका, सांसद है, गुंडा सांसद उनका है जिसपे 40 केस है, तो कैसे करेंगे? अगर वो गुंडा है फिर भी वो सांसद के पद पर है, सांसद के पद पे आते क्या गुंडा है ना, तो हटाए ना, वैसे कोई दूसरा होता तो राहुल क्या करोगे आप लोग की हटा दे, क्योंकि अभी तक तो राहुल कभी आपने सुना राहुल गांधी को 15 मिनट के अंदर सारे कानून के पास हो गए? यह संविधान के अंतर्गत हुआ है, 15 दिन में सारी चीजें पास हो गई,
कभी ऐसा हुआ 70 साल में? हमने तो कभी नहीं सुना। 15 मिनट में सारी चीज़ें पास हो गई, कोर्ट का 175 पेज की जजमेंट पे आ गई, इलेक्शन कमीशन का पहुंच गया, पार्लियामेंट के स्पीकर का पहुंच गया, एक दिन में कर दिया गया। राहुल गांधी वही हैं जिनके पिता देश के लिए शहीद हुए, राहुल गांधी वही हैं जिनकी दादी शहीद हुई देश के लिए, लेकिन देश की एकता व अखंडता को कायम करने के लिए, जातिवाद को दूर करने के लिए वो देश के बलिदान दे दिया, लेकिन देश टूटने नहीं दिया। और ये तो देश नफरत फैला रहे हैं, देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं ये लोग। हम अधिकारी कर्मचारी बाद में हुए, पहले किसान के बेटे हैं और ये किसानों की बेटियां हैं, हम जातिवादी नहीं मानते। दूसरा पॉइंट, देश की आन बान शान हमारी बेटियां होती हैं। जिस देश में समाज में बहु बेटी की इज्जत सेफ नहीं है वो देश तरक्की नहीं कर सकता। तो ये तो सरकार को सोचना चाहिए ना, आप बोल रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं कि अपनों को चाहती है। एक गोंडा हल्के से, वो गोंडा हल्के से गोंडा आदमी सांसद बना रखा है, 45 FIR दर्ज हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको कह दिया FIR दर्ज, अरेस्ट क्यों नहीं किया? और क्या टेस्ट है उसका, उसको तो सेकंड से फंसाया जाए और अपने आप उगल देगा मैंने क्या किया। आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं सांसद पे भी, जैसे कि और बीजेपी पे भी सवाल उठा रहे हैं। एक सवाल मेरा सुन लीजिए, मेरा सवाल सर आप, एक मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ कि इनके दिल में दर्द है, बेटी के प्रति दर्द है, वहाँ से आए लेकिन यहाँ प्रधानमंत्री पास में 6 किलोमीटर दूर नहीं आया, गृह मंत्री नहीं आए, इनका कोई मंत्री नहीं आया, ये किस गांव से आए? क्योंकि इनके दिलों में दर्द है बेटियों के लिए, इसलिए यहाँ आए। अच्छा बेटी बात सुनो, कोई भी बेटी गलत इल्ज़ाम नहीं लगा सकती और इतने हाई लेवल पर पहुँच के देश की आन बान किसान, हम हिंदुस्तानी हैं, हमारे हिंदुस्तानी पना क्या रह जाएगा जब हमारी बहू बेटी सेफ नहीं है, हमारे बॉर्डर सेफ नहीं है, इधर से चीन, इधर से पाकिस्तान, बांग्लादेश, सभी कुछ हमारा दुश्मनों के घेरे में है, हमारी बहू बेटियां भी सेफ नहीं है। ऐसी और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए।